हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, और इस वीडियो का टॉपिक होगा द स्काई इज पिंक। यस, इट्स अ मूवी एंड आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस। पहली बात तो ये मूवी नई नहीं है, ये मूवी 2019 की है, और मैं अभी इसके बारे में बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये मूवी अभी देखी, मैंने पहले नहीं देखी थी। और सच कहूँ, मुझे ट्रेलर देख के इतना खास लगी भी नहीं थी मूवी। ऐसा लगा था कि शायद नाइन्टीज के कुछ होगा, और लाइक कैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलते थे एंड ऑल दैट लव स्टोरी टाइप का, ऐसा लगा था मुझे। बट मुझे ये नहीं पता था कि वो एक रियलिटी बेस्ड मूवी है। बट जब मैंने इसको देखा तो मुझे सच में लाइक ऐसा लगा कि ये एक ऐसी मूवी है जो मस्ट वॉच लिस्ट में आती है। तो ये मूवी आप सभी को एक बार ज़रूर ज़रूर देखनी चाहिए। और अगर आप एक इमोशनल पर्सन हैं तो, और लाइक आप अपने आप को किसी भी चीज़ से रिलेट करते हैं, तो ये मूवी आपको मतलब बोर नहीं होने देगी, बोर तो होने ही नहीं देगी, लाइक आपकी आंखें भी नहीं सूखने देगी। क्योंकि मैं इस मूवी को देखते हुए बहुत रोई हूँ। एक के बाद एक सीन ऐसा आ जाता है कि आपकी आंखें अपने आप ही गीली हो जाती हैं, आंसू अपने आप ही बहने लगते हैं। है, और द स्काई इज पिंक, कोई बोले कि ये नाम क्यों रखा है, तो इस लाइन का, इस नाम का मतलब लाइक एक छोटा सा सीन है मूवी में। छोटा बच्चा है जो प्रियंका चोपड़ा का बेटे का रोल कर रहा है, छोटा बच्चा। प्रियंका चोपड़ा उस टाइम दूर होती हैं, तो वो फ़ोन पे बात करती है अपने बेटे से, और बेटा रो रहा होता है। तो उसका बेटा बोलता है, मम्मा मुझे टीचर ने मारा। तो उसकी मम्मा बोलती है, क्यों मारा आपको टीचर ने? तो बोलता है, क्योंकि मैंने स्काई जो है पिंक कलर का बनाया था। क्या मम्मा पिंक कलर का स्काई जो है पिंक कलर का नहीं होता? तो उसकी मम्मा बोलती है, अगर आपको लगता है कि आपका स्काई पिंक है तो स्काई पिंक ही है। तो बेसिकली ये है कि आपको क्या लगता है, आपको कौन सी चीज़ खुशी दे रही है, वो चीज़ है इस मूवी में। और एक लाइफ को कैसे जीना है, वो चीज़ है उस मूवी में। आप क्या बनना चाहते हो, ऐसा नहीं कि आपको बहुत टाइम चाहिए। आप चीज़ छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी पा सकते हो। और इसमें कास्टिंग जो है बहुत ज़बरदस्त है, उन सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग से सभी वाकिफ़ हैं, कोई भी अनजान नहीं है। फरहान अख्तर बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग है। ज़ायरा वसीम जिसने बेटी का रोल किया है, प्रियंका चोपड़ा की बेटी का रोल किया है, ज़ायरा वसीम नाम है उनका, आयशा जो कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है इस मूवी का, उनका रोल किया, बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। देन है आपका एक रोहित सरफ करके हैं, उन्होंने आयशा के भाई यानी ईशान चौधरी का रोल किया। और ये मूवी मैं सच कहूँ 2 या 2.5 घंटे की है, और ये मूवी आपको देखकर लगेगा नहीं कि आपका टाइम खराब हुआ है। इनफैक्ट आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि हाँ भाई मैंने ये मूवी देखी, और आप आगे सजेस्ट जरूर करने वाले हैं। जैसे कि मैं अपने आप को देखने के बाद ये मूवी रोक नहीं पाई कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ। तो मैं चाहती हूँ कि मूवी मैंने देखी, और मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे को नोन है, मेरे नोन हैं, वो सब ये मूवी एक बार तो ज़रूर देखें। तो आप ये मूवी देखिए और मुझे कमेंट में बताइए कि मूवी कैसी है, प्लस मेरा वीडियो कैसा है। और मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे, और इनको वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।